टीवी शो बिग बॉस लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। ऐसे में इन दिनों दर्शकों को बिग बॉस के 16वें सीजन का बेसब्री से इंतजार भी है और लगभग शो का सेट भी तैयार हो चुका है। हाल ही में खबर आई थी कि मुनमुन दत्ता और अर्जुन बिजलानी ने शो में जाने से मना कर दिया। अब इस दौरान एक खबर और सामने आई है कि अपने गाने हर हर शंभू को लेकर चर्चा में आई सिंगर फरमानी नाज शो में आ सकती है। दरअसल हर हर शंभू को दोबारा गाने वाली सिंगर फरमानी पर कुछ मौलाना द्वारा आपत्ति जताई गई और फतवा जारी कर दिया गया था। इस बीच एक इंटरव्यू के दौरान फरमानी के भाई ने बताया कि उनकी बहन के खिलाफ किसी तरह का फतवा जारी नहीं हुआ है। बिग बॉस 16 के 16वें सीजन को लेकर उनके भाई ने ये भी बताया कि फरमानी को रियलिटी शो से ऑफर आया है। इस बार उनकी बहन अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही क्योंकि उन्हें लगता है कि शो बिग बॉस में काफी लड़ाई झगड़ा होता है। सपना चौधरी के बारे में बात करते हुए फरमानी के भाई ने ये भी बताया कि बिग बॉस में पिछली बार सपना चौधरी के साथ काफी बुरा बर्ताव किया गया था, जिसको सोचकर उनकी बहन यानी फरमानी डरी हुई है। वहीं रियलिटी शो के बारे में बात करते हुए बताया कि फरमानी नाज टीवी सिंगिंग शो इंडियन आइडल में भी नजर आई थी। हालांकि बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें शो से बाहर आना पड़ा। इसके बाद फरमानी रुकी नहीं, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया और अपने गाने पोस्ट करना शुरू कर दिया। फैंस भी उनके गानों को बहुत अब पसंद करते हैं। हर हर शंभू फरमानी का ये पहला गीत नहीं है दोस्तों। सावन के महीने में उन्होंने दो गीत और भी रिकॉर्ड किए थे, हालांकि उन पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ था। वेल दोस्तों, अब देखना ये होगा कि फरमानी बिग बॉस के 16वें सीजन में नजर आएगी या फिर नहीं। दोस्तों, इस तरह की और अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए 5 दरिया न्यूज एंटरटेनमेंट के साथ। Oh.